फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का रायता। एक बार चेक कर लेते हैं कि मूली का रायता बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दही लिया है मैंने 150 ग्राम, आधा कप कद्दूकस किया हुआ मूली लिया हुआ है। मूली को कद्दूकस करने के बाद पानी निचोड़ना नहीं है। एक छोटा चम्मच चीनी लिया है, 1/3 टीस्पून नमक लिया है। तड़के के लिए सामान देख लेते हैं। एक चम्मच मैंने ऑयल लिया है, एक बड़ा चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ मूली का पत्ता लिया है जो बिल्कुल सॉफ्ट और छोटे छोटे पत्ते होते हैं। आधा छोटा चम्मच कलौंजी लिया है, एक हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। सबसे पहले बाउल ले लेंगे, इसमें दही रख लेंगे, चीनी रख लेंगे, नमक रख लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूली डाल लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें तड़का लगा लेंगे। तड़का कलछी में ऑयल गरम करके सारी चीज़ों को रख के इसमें तड़का लगा लेंगे। सब चीज़ों को मैंने गरम कर लिया है। लाल मिर्च डाल लेंगे इसमें और रायता में तड़का लगा लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मूली का रायता बनके बिल्कुल रेडी है। कटे हुए मूली के पत्तों से साइड में गार्निशिंग कर लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसे रायता में मिक्स भी कर सकते हैं। मूली का रायता बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। और आपको यह हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।